क्लास 9 विषय सामाजिक विज्ञान, दिनांक 18 अगस्त 2021, अध्याय फर्स्ट है पालमपुर गांव की कहानी और टॉपिक दिया गया आपको उत्पादन का संगठन और पालमपुर में खेती। आज की होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस वीडियो के दौरान 5 क्वेश्चनों का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है, उत्पादन के कौन कौन से कारक हैं, तो इसका आंसर हम लिखेंगे उत्पादन के कारक भूमि, श्रम, उद्यमी व पूंजी हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया गया है, पूंजी कितने प्रकार की होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी तथा दूसरी कार्यशील पूंजी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया, उद्यमी क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे इसे मानव पूंजी भी कहते हैं। उत्पादन का यह कारक तीनों कारकों भूमि, श्रम, पूंजी को एक साथ लेकर अपने ज्ञान और उद्यम के द्वारा उत्पादन करता है तथा बाजार बिक्री के लिए भी लाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, पालनपुर में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम पालनपुर में ज्वार, बाजरा, आलू, गेहूं व गन्ना की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, HYV बीज और पारंपरिक बीज में क्या अंतर है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर एक साइड में आप HYV बीज लिखोगे, एक तरफ पारंपरिक बीज लिखोगे और यहाँ पर टोटल 5 अंतर लिखे हुए हैं, तो ये 5 अंतर आप लिख सकते हैं। तो आज के होमवर्क के ये 5 क्वेश्चन थे, इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।